जी देखिए, कोई भी शुभ काम करने से पहले हमें परमपिता परमात्मा का नाम लेना चाहिए भैया सर्वो, जो कि हमें इस जीवन रूपी नैया में भेजा है। देखिए उस्ताद ने अपनी कलम को उठाया है और बड़े ही सुंदर शब्द लिखे हैं। एक दिन कहे धनवान सुखी सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को इंद्र कहे चतुरानन को सुख और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी अजी तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। देखिए जिगड़ी की माँ होती है साखी जिसे कहते हैं, सुनेंगे साहब साखी। हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है, जुए पड़े हनुमान चालीसा और होए सिद्ध साखी गौरी सा, यानी कि जिगड़ी की साख देने वाली साखी होती है। सुनेंगे साहब साखी किस प्रकार से है, सभी लोग जानते हैं। अरे अभिमन्यु की नार रे सो हट चक्का, अरे प्यू की देख पाती का श्रवणों द्वारा दो चार बार ना सुना हो। बताया है कि बोई रामायण बोई भागवत गीता और बोई अकेले रामचंद्र बोई बिचारी सीता। देखिए दिमाग को लगाएंगे, एक समय माँ कुंती और गंधारिन दोनों ही गज पूजन किया करती थी। कारणवश माँ कुंती के लिए माँ गंधारिन कोई न्योता नहीं देती है। अर्थ में बताया है कि अश्वमणि के बीच आई है गणेश चौथ, रानी गंधारिन ने गज पूजन की ठानी है। अरे कर के अभिमान सारे नगर को बुलायो दियो, कुंती ना बुलाई जो इस भारत की निशानी है। कुंती देख जरी जाए मन में, जाए पहुंची अपने भवन में, खावे धरण पछार, सवर नावे मात कुयक नैन बहे जल धार। सो सुन के हाल दुखी भयो पारत पूछे अपनी माँ से। गांडीवधारी अर्जुन अपनी माँ के पास में आए और कहने लगे, माँ तुम्हारे नेत्रों में आंसू मैं नहीं देख सकता। गांडीवधारी अर्जुन क्या कहते हैं भैया सुनेंगे साहब। अरे कहा दुख व्याप्यो तो ये बताए दे, और मोए कसर मती रा
रखो और को बेरी खटक्यो आई मैया सत्य मुखे उचारे और कहा दुखों में ठगो बाजा